यात्रा निकाल नगर भ्रमण किया गया। देखिए काफी लंबे अरसे से बिहार के पूरे देश में जातीय गणना का जो है सो मांग उठता रहा था। हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर बहुत पहले से प्रयत्न करते रहे हैं, लगातार उनका प्रयास रहा है कि यह गणना हो। इसके अनुसार कई बार विधानसभा में भी सर्वसम्मति से इस गणना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके भी यह तय किया गया कि बिहार में या पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए। और इसको लेकर के केंद्र सरकार से भी नीतीश जी के नेतृत्व में सर्वदलीय एक कमेटी मिली थी, लेकिन निर्णय नहीं बन पाया। फिर भी नीतीश जी बिहार में अपने बूते, बिहार सरकार के बूते, अपने खर्चे पर यह जातीय गणना कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इस पर तेजी से काम भी शुरू हो गया है। तो इसे में हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड संगठन के माध्यम से अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कि आपने एक बहुत ही चीर लंबित मांग बिहार में जातीय गणना का, उसको आपने पूरा किया है। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सभी जिला से प्रखंड और प्रदेश स्तर पर आभार यात्रा का शुभारंभ किया गया है। हम अपने नेता श्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये एक बहुत बड़े कार्य जिसको लेकर के काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी और हम समझते हैं कि यह जातीय गणना संपन्न होने के बाद बिहार में जो आम लोग हैं, जो नीचे तबके के दबे कुचले लोग हैं, उनके आगे बढ़ाने के लिए यह जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम तय किया जा रहा है या जाता रहा है, उसमें इस गणना का लाभ मिलेगा। इसीलिए हम बिहारवासी अपने नेता नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जिला में और सभी जगह आभार यात्रा का शुभारंभ किया गया। देखिए इस देश में आज़ादी से पहले 1931 ईस्वी में जाति आधारित गणना हुआ था, उसके बाद 11 साल 10 साल पर जो जनगणना होता है उसमें भी कभी जाति का कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब का गणना होता है, मुर्गा मुर्गी का जनगणना में लेखा जोखा, लेकिन जाति इस देश में कितना है इसका लेखा जोखा 1931 के बाद आज तक नहीं हुआ। इस बार भी मेरी पार्टी दबाव बनाया केंद्र सरकार पर कि जाति आधार जनगणना होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को ये मंजूर नहीं था। कारण जो भी हो तो नीतीश कुमार ने, हमारे नेता ने निर्णय लिया कि हम अपने खर्चा पर बिहार में जाति जनगणना करवावेंगे और किस जाति का कितना संख्या है उस आधार पर हम विकास का काम करवाने का काम करेंगे। इसीलिए संपूर्ण बिहार में आज 25 तारीख को नीतीश जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए पार्टी ने कार्यक्रम रखा और आज सुपौल में भी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है।